हाय फ्रेंड्स, राजेश हियर फ्रॉम technobuzz.net। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Xiaomi के Redmi K20 Pro के अंदर जो है डॉल्बी को इंस्टॉल कर सकते हैं, जो फुली तरीके से वर्किंग है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे फ़ोन के अंदर जो Redmi K20 Pro है ग्रेडिएंट ब्लू कलर का, इसके अंदर जो है हमने डॉल्बी को इंस्टॉल कर रखा है, जो कि परफेक्टली काम कर रहा है। मैं आपको एक बार रन करके दिखा देता हूँ कि क्या साउंड में चेंजेस आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो चलिए कोई हम एक म्यूज़िक जो है प्ले कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि साउंड क्वालिटी में क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं एक वीडियो को प्ले कर देता हूँ उसके अंदर। तो ये देखिए, अभी जो आपको जो साउंड आ रही है कुछ इस तरीके की साउंड आ रही है। मैं थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ ताकि आपको साउंड समझ में आ सके किस तरीके की साउंड आ रही है। अब मैं एक बार डॉल्बी को एक्टिवेट करता हूँ। तो ये देखा आपने कि साउंड में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, और आप जाके इसके अंदर साउंड को एडजस्ट भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे आपको इसके अंदर फीचर्स मिल जाते हैं डॉल्बी के अंदर। तो वो सारे फीचर्स जो है आज मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसको अपने K20 Pro के अंदर एक्टिवेट करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ तो मैं आप लोगों को कन्फर्म कर देता हूँ कि आपका जो रेडमी K20 प्रो फोन है वो रूटेड होना चाहिए, और उसके अंदर जो है मैजिक मैनेजर जो है इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि आप अपने फ़ोन को कैसे रूट करेंगे और उसमें मैजिक में जो कैसे इंस्टॉल करेंगे, उसका एक ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अब सेकंड थिंग कि आपको एक डॉल्बी की जिप फाइल को अपने फ़ोन के अंदर सेव कर लेना है, जो कि मैं कर रखी है, ये देख पा रहे होंगे आप, ओरियो पाई डॉल्बी डिजिटल प्लस, ये वाली फाइल 2.7 वर्जन की जो फाइल है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस फाइल को आपने सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप मैजिक मैनेजर को ओपन कीजिए, इसके मेनू में जाइए। मेनू में आपको मॉडल्स का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप जाएंगे, आपको एक प्लस येलो बटन दिखेगा, इस पर टैप कीजिए। टैप करके यहाँ पे कोशिश कीजिए कि यहाँ पे शो करे कि शो इंटरनल स्टोरेज, उसके बाद अपने इंटरनल स्टोरेज में जाइए और जो फाइल आपने सेव की थी उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब ये फाइल जो है ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद आपको बोलेगा रीबूट, तो आपको रीबूट पर टैप करना है और अब आपका फ़ोन जो है रीबूट हो जाएगा और इसके अंदर डॉल्बी जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी। बट वो अभी काम नहीं करेगी, अभी आपको दो मॉड्यूल और इसके अंदर इंस्टॉल करने हैं, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो एक बार हम फ़ोन को बूट होने देते हैं। तो फाइनली हमारा फ़ोन जो है बूट हो गया है और आपको हमारे फ़ोन के अंदर जो है डॉल्बी की एप्लीकेशन देखने को मिल रही है। बट अभी आप इसको ओपन नहीं करेंगे, अदरवाइज ये क्रैश हो जाएगी। आप फिर से मैजिक मैनेजर में जाएंगे, फिर से मेनू पर टैप करेंगे, मॉड्यूल्स में आपको डॉल्बी डिजिटल प्लस देखने को मिलेगा। आप बैक करिए, उसके बाद मेनू में आइए, डाउनलोड्स में जाइए। डाउनलोड्स में जो ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पर सर्च का बटन है, उस पर टैप कीजिए और आप सर्च करेंगे यहाँ पर ऑडियो मॉडिफिकेशन लाइब्रेरी, ये वाला जो है सेकंड वाला ऑडियो मॉडिफिकेशन लाइब्रेरी, इसको टैप करेंगे और ये इसको आपने इसको टैप करना है यहाँ से, और ये इंस्टॉल के लिए बोलेगा, आप इसको इंस्टॉल कर देंगे। अब कुछ ही देर में ये इंस्टॉल हो जाएगा और रिबूट करने को बोलेगा, आप फिर से रिबूट कर लीजिए। आप एक बार हम फिर से रिबूट होने देते हैं और फिर मैं बताता हूँ आपको जो थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है उसको कैसे पूरा करना है। तो ये लीजिए, हमारा फ़ोन जो है फिर से बूट हो गया है। मैजिक मैनेजर में जाके चेक कर लेते हैं वो मॉड्यूल इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो मॉड्यूल्स में जाते हैं, तो ये देखिए ऑडियो मॉडिफिकेशन लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई। बैक चाहिए, फिर से डाउनलोड सेक्शन पर जाइए, अब सर्च पे टाइप करेंगे, अब यहाँ हम लिखेंगे ऑडियो कंपेटिबिलिटी COMP। ये देखिए अपना वो एप्लीकेशन आ जाएगी, आप इसको भी एक बार इंस्टॉल कर लेंगे। अब जो स्टेप है उनको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये स्टेप आपने जरा सा भी मिस किया, कोई गलत बटन प्रेस किया, तो ये मॉड्यूल जो है इंस्टॉल नहीं होगा और आपको कोई ना कोई एरर इसके अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये देखिए, जैसे ही वो जिप फाइल इंस्टॉल होना शुरू होगी, आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके का पेज आएगा जिस पे लिखा होगा वॉल्यूम की टेस्ट, प्रेस ए वॉल्यूम की। अब जो आपको कीज़ हैं वो बिल्कुल ठीक तरीके से प्रेस करनी है, ताकि कीज़ जो है ठीक तरीके से रजिस्टर्ड हो, तभी ये एप्लीकेशन काम कर पाएगी, अदरवाइज आपको कोई ना कोई एरर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो आपको टैप करना है वो है वॉल्यूम डाउन। हाँ, वॉल्यूम डाउन को टैप करते हैं। जब तक ये वॉल्यूम डाउन की स्क्रीन यहाँ से हटने जाती है, आप अगला कोई बटन प्रेस नहीं करेंगे। फिर से वॉल्यूम डाउन करेंगे हम, देखिए वॉल्यूम डाउन, फिर से स्क्रीन को हटने देंगे, फिर से वॉल्यूम डाउन करेंगे,
तीन बार लगातार वॉल्यूम डाउन, और जैसी स्क्रीन डिसअपियर होती है उसके बाद आप वॉल्यूम अप करेंगे। जैसी अप करेंगे स्क्रीन जैसी जाती है फिर से डाउन करेंगे। ये देखिए डाउन कर दिया हमने, अब लास्ट में फिर से हमने अप करना है इसको। ये देखिए अप कर दिया, अब ये इंस्टॉल हो गया है। अब ये रीबूट करने को बोला है, आप इसको रीबूट कर देंगे। अब जो है डॉल्बी जो है आपके फ़ोन में परफेक्टली काम करना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि डॉल्बी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये देखिए फाइनली हमारा फ़ोन जो है बूट हो गया है। एक बार मैजिक मैजर में हम चेक कर लेते हैं हमारे मॉड्यूल्स जो है इंस्टॉल हुए हैं कि नहीं। तो ये देखिए तीनों मॉड्यूल्स जो है परफेक्टली इंस्टॉल हो गए हैं। अब हम डॉल्बी की एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं, वो काम करती है कि नहीं। ये देखिए डॉल्बी की एप्लीकेशन परफेक्टली काम कर रही है, कोई क्रैश नहीं हो रहा है। मैं फिर से आपको साउंड को चेक करवा देता हूँ कि किस तरीके का साउंड इफेक्ट इसके अंदर चेंज होता है। तो मैं पहले डॉल्बी को ऑफ कर लेता हूँ यहाँ से, आपको मैं म्यूज़िक को प्ले करता हूँ। देखिए म्यूज़िक प्ले किया, तो ये देखिए म्यूजिक में काफ़ी फर्क पड़ा है। आपकी जो साउंड है उसको इम्प्रूव हुई है। आप उसके साउंड में जाके इसके मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं इसके अंदर जो जो चाहिए। आप इनके इक्वलाइजर को यूज़ कर सकते हैं, जिस तरीके की साउंड आप क्रिएट करना चाहें उस तरीके की आप कर सकते हैं। जैसे रिच हो गई, कस्टमाइज हो गई, ये सारे ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। आप उस तरीके से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा कि कैसे आप डॉल्बी को रेडमी K20 प्रो के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। सिर्फ आपको रूट चाहिए और तीन मॉड्यूल चाहिए जो मैंने आपको फ्लैश करना बताए हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, बटन्स आपने बिल्कुल एक्यूरेटली प्रेस करने हैं जिस तरीके से मैंने वीडियो में शो किए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आगे चल के आपको हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रह सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।